आटे की किल्लत ज्यादा खरीदने से हुई, मुल्क में वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है, गंदम की तरसील के इंतजामात कर लिए हैं, सप्लाई चेन चलती रहे इसलिए इजलास में अहम फैसले किए गए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस को शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स कराएंगे। 5 अप्रैल तक फ्रंट लाइन पर अमले को हिफाजती किट्स दे देंगे। पाकिस्तान में कोरोना के 61% मरीजों की उम्रें 21 से 50 साल है। हुकूमती टीम की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कोरोना को रोकने के लिए लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए, बुनियादी जरूरियात पूरी की जाएंगी तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तमाम अहम फैसले 1-2 दिन में सूबों की मशावरत से हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे हम सारे सूबों के साथ डेली बेसिस पे, खास तौर पे एक तो हमने 7 वो आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसकी हर जिले में कितनी तादाद है, उसकी अवेलेबल क्वांटिटी और कितने दिनों के लिए वो हर अजनास अवेलेबल है उस जिले की आबादी के लिए, और जहां कमी है वो जिले अपना सूबे उसकी पूरी करेंगे एक अजला से दूसरे अजला के अंदर, और उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट चाहिए उसका भी मैपिंग हो गई है ये पूरे पाकिस्तान में। 2 चीज़ें, एक ये कि 5 अप्रैल तक हमारा तखमीना ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि डील करेंगे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, उनके लिए जो प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट है वो उन तमाम लोगों को पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगा उनकी इस वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसकी तफसीलात काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं उनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन 5 अप्रैल का हदफ हमने रखा है कि जब तक हम इंशाअल्लाह ताला इसको इंश्योर करेंगे कि उनकी जो इमीडिएट नीड्स हैं वो सबकी पूरी हों, इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सारे लोग शामिल हैं। तो आप जो भी हुक्म सादर कर दें वो कामयाब नहीं होगा ग्राउंड के ऊपर लोगों को अगर उनके बुनियादी जरूरियात नहीं मिलेंगी, इसीलिए ये आज इसके ऊपर भी बातचीत हुई और ये फैसला किया गया कि हम अपनी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं यानी वो चीज़ें जो नागुजीर हैं जिनके बगैर ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं होती और जिससे एक मुल्क का पहिया चलता रहे, उस लिस्ट को मुरतब करने के लिए, फहरिस्त को मुरतब करने के लिए काम किया जाएगा।